पहले ओवर की समाप्ति माणिक पर 17 रन, सफल ओवर जरूर रहा, महंगा भी रहा, लेकिन एक अच्छी बात अभी भी है कि ईबी मौजूद है अभी भी। नईम रावत एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बॉटम साइड के ऊपर गेंद लगा और नई गेंद अमूमन ये दिक्कत पैदा करती है, और हवा का रुख जो था वो शॉट के बिल्कुल विपरीत था। तेजस आहिर गेंदबाजी का भार संभालेंगे और अब मकसूद लहर नए बल्लेबाज के रूप में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड क्रिकेटर इज आल्सो प्लेइंग अ गुड नॉट इन अ टेनिस क्रिकेट बट आल्सो इन अ लेदर बॉल, सो ही इज ऑलवेज प्लेइंग अ कैलकुलेटिव इनिंग एंड ही इज अ सेंसेबल प्लेयर। साझेदारी यहां पे चाहिए और एक अच्छी सोच कप्तान की के मकसूद लहर को भेजा क्योंकि साझेदारी चाहिए। पैरों के ऊपर गेंद थी, फ्लिक किया है और लॉन्ग लेग की दिशा में चौका जाएगा। बल्लेबाज के चरणों में गेंद तो बाउंड्री के शरण में गेंद, चौके की मदद से 21 रन। डीजे स्वागत है तेजस आहिर का। गति परिवर्तन करने का प्रयास था लेकिन फुलटोस हो गई वहां पे, वाइड का इशारा जी ऑफ स्टंप के बाहर। गति में परिवर्तन करना चाहते थे, उंगलियां घुमाना चाहते थे वहां पे तेजस, लेकिन अमूमन आसान नहीं होता जब गेंद नहीं होती है, और वाइड है तो दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। ऑफ स्टंप के बाहर रूम था वहां पे, लेकिन उसे क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन गति में परिवर्तन, वहां से बीट हुए बल्लेबाज। अच्छी वापसी तेजस की, छोटी गेंद थी और अपने आप के लिए जगह बनाई, और जिस प्रकार के फॉर्म में ईबी रावत चल रहे ना, ये कई दिन के लिए तोहफा थी। ऑन साइड के ऊपर अमूमन छक्का मिल ही जाता है। 28 रन इस 6 रन की मदद से ईबी पहुंचे 27 के ऊपर। So short of length on to the leg side area, सफल outside the off stump, connection is better and better. छोटी गेंद थी, ये क्या बात है, ऑफ स्टंप के बाहर अपने आप के लिए जगह बनाई, थोड़ी गति में परिवर्तन किया, लेकिन ईबी के खेलने के अंदाजे में कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं। ही इज नाउ रियली ऑन फायर, 34 स्कोर रन 34। लेग साइड ओरिएंटेड स्टांस है उनका। फुलटोस गेंद थी, थोड़ा घुटनों को झुका के खेलने का प्रयास था, उसकी वजह से जो ताकत मिलनी चाहिए ना वो आई नहीं। 35-35 रन जो स्कोर बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं ना, 34 रन एकमात्र उसमें ईबी के। और अब मकसूद लहर माणिकपुर टीम के कप्तान। There is a room outside the off stump, slashed very hard and towards backward point area, running away for the four. चौके के साथ ओवर की हुई समाप्ति, और दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन 39 एक विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद के ऊपर मकसूद ने अपना खाता खोला, और कल ओपन अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट भी है, मुस्लिम समाज की टीम को लीड करेंगे मकसूद, तो वहां पे भी उनके ऊपर नजरें रहेंगी। इनफॉर्म प्लेयर है मकसूद। और ईबी रावत 34 के ऊपर 10 गेंदों में, ईबी रावत क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास, वाइड इज यॉर्कर थी, इनसाइड एज लगा वहां पे, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया काबिले तारीफ पारी ईबी रावत के द्वारा सभी गेंदबाजों को,
जो भी तीन गेंदबाज अभी तक इस्तेमाल हुए हैं, सभी गेंदबाजों के ऊपर धाबा बोला है, सभी को आड़े हाथ लिया है। शॉट ये अच्छा है, हाफ वॉली गेंद, लेकिन फील्डर है वहां पे, कोई गलती नहीं करेंगे। इस बार क्या हुआ कि एलिवेशन मिला नहीं, मात्र फ्लैट चली गई। इस बार भी मसला वही के हवा के विपरीत शॉट, अगर आप देखोगे ना, हवा का रुख यहां से जेम्सन एंड की ओर चल रहा है, उसकी वजह से गेंद की गति कम हुई, लेकिन फिर भी जो नुकसान पहुंचाना वो पहुंचा के गए। 39 के ऊपर दूसरा विकेट मानिकपुर। रेठवाणिया के कप्तान जकरिया मेहतर यहां पे आएंगे, सलमान रावत का संपर्क करेंगे, आपकी प्लेइंग 11 मोबाइल नंबर के साथ दर्ज करवाएंगे। रेठवाणिया के कप्तान जकरिया मेहतर, और बहुत ही बढ़िया पारी मानना पड़ेगा रावत ईबी के द्वारा, 12 गेंदों में 34 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जो सेटअप चाहिए था, जो प्लेटफॉर्म खड़ा करना था, वो यहां पे खड़ा हुआ है। वैसे गेंद उतनी ठीक थी नहीं, खराब गेंद थी, हाफ वॉली गेंद थी, लेकिन फिर भी कनेक्शन हुआ मिडल ऑफ द बैट, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद थे रियल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और अब नई बल्लेबाज इनफॉर्म सहबाज कापड़िया, इसीलिए मैंने बोला ना इनफॉर्म प्लेयर, इसीलिए बोला कि ये इनफॉर्म प्लेयर है। पहली गेंद के ऊपर 6 रन लगाते हैं तो मतलब पता चल जाता है कि ये किस दौर में गुजर रहे, मानो बटलर चल रहे। 45-45 रन। ऑफ द मार्क विद द मैक्सिमम ओवर लॉन्ग ऑन एरिया, ही इज नाउ इन अ लुकिंग गुड फॉर्म। फुलटॉस गेंद थी, इनफॉर्म प्लेयर को इस प्रकार की गेंद दोगे ना तो फील्डर वहां पे दर्शक ही बनते रह जाएंगे। ध्रुव मौजूद थे वहां पे, लेकिन इतना बढ़िया कनेक्शन हुआ कि पूरा 6 रन देके चली गई। डीजे रन की मदद से 51। क्या बात है, तीन गेंदों के बल लगातार तीन मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 3 sixes, पहले सामने लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर, तीसरा भी स्क्वायर लेग के ऊपर से। डीजे सेवास कापड़िया का बल्ला धूम मचाता हुआ 57। चौथा भी जाएगा, क्या बात है, 4 गेंदों के ऊपर 4 sixes, 3 लगातार स्क्वायर लेग के ऊपर से, ये इनफॉर्म प्लेयर की निशानी है। जॉस बटलर यहां पे रोमन पॉवेल बनते हुए 63। थी ना कि हवा के विपरीत शॉट खेलना, इसके लिए पूरी ताकत चाहिए, और सहबाज कापड़िया इस प्रकार की बल्लेबाजी वो कर सकता है। 4 गेंदों के ऊपर 4 लगातार सिक्सर, नाम है सहबाज कापड़िया। मौजूदा टेनिस क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया, लोकल अगर टेनिस क्रिकेट में देखा जाए ना तो सबसे बढ़िया नंबर एक पोजीशन पे सहबाज कापड़िया अभी इनफॉर्म प्लेयर के तौर पे। 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के जड़े और 2 ओवर में 41 रन दिए कालू ने, 2 विकेट मिले उनको, लेकिन काफी महंगे साबित हुए। राहुल अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे जेम्सन एंड से, पीछे विकेट कीपर के साथ शॉट फाइंड लेग, शॉट थर्ड मैन,
स्वीपर पॉइंट मौजूद 30 यार्ड सर्कल में, एक्स्ट्रा कवर, कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे जेंटली पुश किया गली के पोजीशन में। जानते हैं कि स्ट्राइक पे सेवास कापड़ियों को लाना जरूरी है, क्योंकि चार गेंदों में लगातार बैक टू बैक चार सिक्सेस जड़ चुके हैं। और मकसूद लहर एक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक सेंसिबल प्लेयर है। वो जानते हैं कि मैच का जो रुख है ना, किस प्रकार से चल रहा है, कहाँ पे मैच खड़ा है, किस प्लेयर को स्ट्राइक देना है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और अमूमन कॉपी बुक क्रिकेटिंग शॉट ज्यादा खेलते हैं मकसूद जी। इस बार थोड़ी हवा में ज्यादा चली गई थी, कनेक्शन उतना हुआ नहीं, वरना प्रयास तो इस बार भी वही था कि काउकर्न और लॉन्गन के ऊपर से उड़ाना चाहते थे। और 65-65 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है। ऑन साइड की दिशा में शॉर्ट फाइन लेग के साथ डीप में स्क्वायर लेग है, काउकर्न डीप में है और लॉन्गन। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया था। फड़वेला कैप्टन कमेंट्री बॉक्स नो संपर्क करे, प्लेइंग 11 साथे अने मोबाइल नंबर, प्लेइंग 11 तमारी ऐड करवानी छे। छोटी पटकी हुई गेंद थी लेकिन उतने कंट्रोल में थे नहीं, थोड़ा इम्बैलेंस लगे। और सबसे जो बढ़िया गेंदबाज की बात लगी वो चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। और अगर आप विकेट के ऊपर जो गुड लेंथ वाला एरिया है ना, जो अमूमन उमेश यादव हिट करते हैं, डैक हिट जैसे कहते हैं, वहां से अगर आप गेंदबाजी करोगे तो वहां से आपको थोड़ा कंट्रोल जरूर ज्यादा मिलेगा। इस बार बहुत ही बढ़िया हाफ वाली गेंद थी, सीधे बल्ले से कॉपी बुक स्टाइल में शॉट को खेला, फील्डर वहां पे मौजूद थे, लेकिन जब तक फील्ड करेंगे एक रन लेने का पूरा मौका। ये ओवर थोड़ा कंट्रोल में लग रहा है, चार रन मात्र इस ओवर में आए हैं, तो जहां पहले तीन ओवर में 64 रन बन गए थे, तो उसके बाद वापसी अच्छी करवाई राहुल ने इस ओवर में। छोटी पटकी हुई गेंद थी और सीधा फ्लैट, कालू वहां पे मौजूद थे। और वैसे भी चौथा ओवर चल रहा था, अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, तो ये प्रयास तो होना ही था, लेकिन एलोवेशन मिला नहीं, सीधी फ्लैट चली गई, लंबाई मिली नहीं, ऊंचाई मिली नहीं और फील्डर को ढूंढ निकाला। 68 के ऊपर तीसरा विकेट गिरा है और सेबास कापड़िया हैज टू डिपार्ट्स ऑन 26 जस्ट फेसिंग 7 डिलीवरीज, 4 बैक टू बैक सिक्सेस इंक्लूडेड इन दिस इनिंग। 68 के ऊपर तीसरा विकेट माणिकपुर 11 लीजिए। But effective cameo playing here by the Sebas Kapadia, 26 run in just 7 deliveries. And now the score 68, loss of 3 wicket after completing 4 over. हवा में मकसूद लहर ने जी अपने हाथ खोले हैं, बाजुए खोलने का मौका मिला है, तो सामने की दिशा में उन्होंने भी अब सेबास के बाद जाने के बाद उनकी जगह ले ली है और ये होना चाहिए। वैसे भी मकसूद लहर एक बढ़िया क्रिकेटर है, उनको अगर इस प्रकार की हाफ वाली गेंदें मिलेगी ना, तो वे सीधे बल्ले से और क्रॉस बैटेड भी छक्के लगा सकते हैं। इस बार भी क्रॉस बैटेड, इस बार भी फील्डर मात्र दर्शक बन के रह गए, लगातार दो गेंदों के ऊपर 2 मैक्सिमम आते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी डीजे। रन बॉल के ऊपर कदमों का इस्तेमाल, देर इज सम स्टेप डाउन, इट्स अ हाफ वॉली, कनेक्शन मिल ऑफ द बैट ओवर द एम्पायर एरिया एट टू द लॉन्ग ऑफ एंड ओवर फॉर द मैक्सिमम। एंड नाउ द स्कोर 86 विद द मैक्सिमम।
मकसूद लहर 7 गेंदों में 24 के ऊपर, 3 गेंदों में 3 लगातार सिक्सर, विरल का स्वागत किया 3 छक्के के साथ। सभी गेंदबाजों का यहां पे माणिकपुर के बल्लेबाजों ने आड़े हाथ लिया है, सभी इन्फॉर्म प्लेयर है सरफराज भाई। इस बार क्रॉस बैटेड फ्लैट जाएगा लेकिन मैक्सिमम मिलेगा, ये मिनिमम एफर्ट था लेकिन परिणाम मैक्सिमम मिला, ये होता है इन्फॉर्म प्लेयर। और क्या बात है, सहबाज कापड़िया गए, उसके बाद थोड़ी सांस में सांस आई लेकिन उसके बाद मकसूद लहर, क्या बात है, रोमन पॉयल गए, कैरन पोलार्ड आ गए और 92 डीजे इस बार बचने का प्रयास था, ऑप्शन के बाहर वाईडी सियोरकर डालने का प्रयास था, थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया और स्ट्राइक मिलेगी अब मालियो, नहीं बल्लेबाज, दोबारा डालनी पड़ेगी, ऑप्शन के बाहर वाइड होगी ये। और स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन, महज मात्र 5वां ओवर चल रहा है, 100 के ऊपर स्कोर जाएगा मतलब 20 से भी ज्यादा का औसत चेस करने को आएगा यहां से, तो जो दबाव होता है स्कोर कार्ड का वो पहले से माणिकपुर ने बॉर्ड के ऊपर रख दिया है। 100 अच्छा है, क्या बात है, फील्डर वहां पे लेकिन मालियो ज्वाइन द पार्टी विद मकसूद लहर वेरी अर्ली, और ये जो 6 रन थे ना, ये 6 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 100 रन लगाने वाला ये शॉट था, और 100 रन बोर्ड के ऊपर 3 फिगर में स्कोर पहुंचता हुआ 5 ओवर की समाप्ति, 20 रन प्रति ओवर रन आ रहे और स्कोर बोर्ड के ऊपर 100 रन। जी यहां पे अंपायर की एक्सरसाइज बड़ी है और हमारे कैमरामैन उमेश भाई उनको भी ज्यादा मूविंग एफर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैमरा कैप्चरिंग और उससे भी बढ़िया ऑपरेटिंग पीआर स्पोर्ट्स चैनल के जो ऑनर है मिस्टर भावेश भाई पटेल, आमद्रा से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया काम उनके द्वारा। और अब आखिरी ओवर प्रगति पर होगा, 100 रन ऑलरेडी बॉर्ड के ऊपर लगा दिए गए, राहुल अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे, आज की पहली पारी के सबसे अच्छे गेंदबाज, मात्र 4 रन दिए थे और 1 विकेट दिया था। इस बार हल्के हाथों से सीधे बल्ले से सामने डाउन द ग्राउंड फील्डर मौजूद था और 101 रन, छोटी गेंद थी कट करने का प्रयास, विकेट कीपर जिग्नेश बीट हुए वहां पे लेकिन पीछे अच्छी फील्डिंग कप्तान हेमंत के द्वारा, और इस 1 रन के साथ 102 रन। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर संजय पटेल मौजूद है, पूरी तरीके से ऐसा लगा जैसे विश्राम गृह में बैठे हो संजय पटेल, आराम से शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, छोटी गेंद थी कदमों का इस्तेमाल, कनेक्शन हुआ लेकिन फील्डर को दूर निकाला, देयर इज अ सम स्टेप डाउन, वांट्स टू बी ओवर द मिड विकेट एरिया बट फाइंड द फील्डर एंड फाइनली गॉट द विकेट, द फोर्थ विकेट गोज डाउन हियर फॉर द माणिकपुर एंड द सक्सेसफुल बॉलर राहुल कंटिन्यू विद द विकेट, सेकंड विकेट ऑन हिज अकाउंट एंड गेव ओनली 6 रन, इट्स अ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बाय द राहुल स्पेशली इन अ हाई प्रोफाइल मैच। बहुत ही बढ़िया पारी मकसूद लहर के द्वारा, सहबाज के जाने के बाद एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो बेहतरीन तरीके से मैक्सवेल वाले अंदाज में खत्म करे, और वही किया उन्होंने, बढ़िया 11 गेंदों में 32 रन बनाए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन अच्छी गेंदबाजी, वाकई बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानना पड़ेगा, एकमात्र ऐसा गेंदबाज नजर आया जिसका जो इंप्रेसिव लगा, जहाँ पे इतना बड़ा टारगेट इतना बड़ा स्कोर बॉर्ड के ऊपर वहां पे इतनी बढ़िया बल्ले गेंदबाजी करना एक अपने आप में अच्छे गेंदबाज की निशानी। फिर से क्रॉस बैटेड लगातार एक ही तरह के शॉट खेले जा रहे हैं और एक ही तरह की गेंदबाजी ऑप्शन के बाहर बीट कर रहे हैं और थोड़ा लैक ऑफ बाउंस उछाल थोड़ा कम नजर आ रहा है इस एंड से।
102 रन। हवा में थोड़ी ज्यादा चली गई है, वहां पे थोड़ा लॉक पोजीशन मुझे लगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो शॉट खेलते हैं ना, अपने आप को थोड़ा लॉकिंग पोजीशन में ला देते हैं, उसकी वजह से जो बल्ले का एक्सटेंशन मिलना चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है। और अंत में आए 2 रन और बॉर्ड के ऊपर 104 रन। 105 रन का यहाँ पे लक्ष्यांक मिला है वांजना 11 को। टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया, टॉस जीते वांजना और फील्डिंग ली। इनवाइट किया माणिकपुर को पहले बल्लेबाजी करना। और ईबी रावत क्या शुरुआत दी, 12 गेंदों में 34 रन। नईम रावत बिना खाता खोले चले गए, लेकिन उसके बाद पहले एक शहबाज कापड़िया नाम की आंधी आई, 7 गेंदों में 26 रन। लेकिन अंत में मकसूद लहर नाम का एक तूफान आया जो 11 गेंदों में 32 रन बना के आया और 105 रन अब टारगेट यहां पे रखा गया है वांजना 11 के लिए। तो अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद एक क्वेश्चन आपसे है सरपराज भाई, क्वेश्चन आपसे कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन हुए हैं प्राप्त, क्या हो गए इतने पर्याप्त? एक हद से 100 होनी चाहिए थी। आखिरी 3 गेंदे जो खेले अफसर रावत, स्ट्रॉन्ग जोन उनका मिड विकेट स्क्वेयर लेग था और गेंदबाज जो था अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से बल्लेबाजी में एक दो प्लेयर ऐसे थे लंबी हिट खेल सकते थे, फिर भी मेरे हिसाब से माणिकपुर की गेंदबाजी अच्छी है। 2 या 3 ओवर ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर 8 या 10 रन तो दरासा ही कर सकते हैं। अगर शुरुआत 3 ओवर में 45-55 की हो गई ना तो दिक्कत होगी, क्योंकि और वांजना के पास बल्लेबाजी घातक है, बल्लेबाजी कर सकते हैं, लंबे 90-10 क्रम तक बल्लेबाजी है। संजय है, जिग्नेश दवे है, बल्लेबाजी हेमंत भाई है और अच्छी गेंदबाज तो थे, लेकिन आज पिटाई हुई है। देखना पड़ेगा किस तरीके से पारी चलती है। फड़वेल ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला। रेठवाड़िया आपको गेंदबाजी करनी है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। फड़वेल ने टॉस जीता है अगले मुकाबले के लिए और बल्लेबाजी का फैसला। सभी कप्तान का नियम सुन लीजिए, 30 मिनट के अंदर पारी को समाप्त। दोनों अंपायर नीरज भाई काउंटडाउन देखते रहिए, 30 मिनट में पारी को खत्म करना है। जैसे ही पहली गेंद डिलीवर होगी हम नोट करेंगे टाइम। सबके लिए नियम सेम है, एक ही वार्निंग है, दूसरी मरतबा पेनल्टी कंपलसरी मिलेगी, वो ध्यान में रखें क्योंकि समय का लिहाज रखना है। माणिकपुर जल्द से जल्द फील्ड सजाएंगे। मकसूद भाई वक्त ज्यादा नहीं लेना, जो भी आपको चर्चा करनी है जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि बल्लेबाज आएंगे तुरंत खत्म करना है मैच। दोनों प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर आ चुकी है। डीजे ऑपरेटर बड़े बॉय कैक की शुरुआत होने जा रही है। फड़वेल का अगला मुकाबला है, टॉस हो चुका है, बल्लेबाजी का फैसला डीजे ऑपरेटर। मेरी तो एंट्री नहीं,
मैच की शुरुआत होने जा रही है गेंदबाजी के ऊपर नहीं रावत और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जिग्नेश दवे, बहुत ही बड़े इनफॉर्म प्लेयर। क्रॉस बैटेड डाउन द ग्राउंड, देयर इज अ फील्डर इन डीप स्क्वायर लेग रीजन, मकसूद लहर एज अ स्कीपर ऑन अ बाउंड लाइन विद ही सिंगल ओपन द अकाउंट विद द वेरी फर्स्ट बॉल। उनाई मैदान के ऊपर 36 गेंदों में 112 रनों की पारी खेली थी नॉन स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश दवे ने, क्या बल्लेबाजी श्रीमानी ब्राह्मण समाज की ओर से, ठीक है, बहुत ही इनफॉर्म प्लेयर। नाउ नईम रावत और संजू फुला लैन इन दी है, दैट इज अ फील्डर शॉर्टेस्ट मिडिकल रीजन अफसर रावत मेक्स नो एनी मिस्टेक कंफर्टेबली टेकन फर्स्ट विकेट फॉल डाउन आफ्टर वन रन संजू विदाउट एनी रन ऑन अ स्कोरबोर्ड गोल्डन डक बैक टू द पेविलियन फर्स्ट रन फ्रॉम दिस नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन वन रन वन विकेट डीजे रावत ऑल्सो बैक टू द पेविलियन विदाउट एनी स्कोर फ्रॉम हिज बैटिंग दिस टाइम ही सेंड वन बैट्समैन लाइक संजू गोल्डन डक। नाउ हेमंत पटेल स्कीपर कम्स टू द मिडल एंड अन नाइस अंपायर फ्रॉम ऑफिशियल अंपायर मेहुल नायका फ्रॉम दिस चासा इज डूइंग अंपायरिंग पोजिशन बिकॉज नईम रावत इज प्लेइंग दिस मैच एंड थैंक यू फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजर कमिटी मेहुल नायका and also Neeraj Patel official umpire Kumar Dharmasera from the Sri Lanka, lots of fighting against the government in Sri Lanka, that's why Kumar Dharmasera on Jameson cricket ground shifting in India. Fuller land, nice bowling and what a good fielding position by the skipper like Ricky Ponting. Every time Ricky Ponting putting this fielder for the run out and very good self fielder is there Malio, Naim Rawat, very good, off spin, pad line, trying to mid wicket region, there is no any connection, shuffle, Hemant Patel, needed big sixes from his bat, all needed because already 105 run target in this match, one run, one wicket, trying to big hit, good lane area, pitching a nice and speed variation, last time a slower ball, this time little but quicker and very good bowling, 5 ball 1 run 1 wicket in power play, very crucial. In the air, again upsar Rawat can't reach because no man's land, because two big areas there, he is standing position in a mid on area, short is mid on and trying to mid wicket region but not two time long air, but this time drop. After 1 hour, 2 run, 1 wicket, DJ. Thank you, Amit Gamit. Now it comes to the attack from this committee box end. BDC under 23 लेथर बॉल टूर्नामेंट के 2 साल पहले हुआ था टूर्नामेंट, वहां पर चैंपियन टीम में उनका स्थान था चिकली के। आकर्षण बैकवर्ड पॉइंट, थोड़ा सा ऑफसाइड में रूम दिया था और मुंबई वालों को पता है रूम को कमरे में किस तरीके से तब्दील करते हैं, छोटी छोटी जगह मिलती है ना वहां पर अपना आसियाना बना लेते हैं, तो ये गैप है ना बहुत गुस्सेल है, थोड़ी सी तेज गेंद थी, कट शॉट, बहुत आसान नहीं होता सभी के लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। लेमन कट ब्यूटीफुल, देखने में मजा आ जाता है ये शॉट देखने में, क्रिकेटिंग शॉट 4 के साथ 6 रन, लेजेंड क्रिकेटर है ना हेमंत भाई तो खेल सकते हैं।
टू फॉर आउटसाइड अपस्टम्प, अंपायर डिक्लेयर व्हाइट सिग्नल बाय द मेहुल नायका विथ इथ एक्स्ट्रा स्कोर 1-7, लॉस ऑफ वन विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 6 ओवर मैच, दे चेजिंग 105 रन, सेकंड मैच टू डेज दिस टूर्नामेंट, 1-11 वर्सेस माणिकपुर. शॉर्ट बॉल ट्राइंग टू लॉन्ग लेग एरिया, देर इज अ स्कीपर बट कांच रीच, इजी सिंगल आफ्टर वन बाउंस, नाइस फील्डिंग विद द वॉकिंग सिंगल विद इथ सिंगल रन स्कोर 1-8 रन, लॉस ऑफ वन विकेट. Amit Gavit short ball and there is a century run batsman, and from this century run batsman mid wicket region huge eye and sub six mid wicket region with this 6 run score 1 double digit 14 run loss of one wicket. वो कहते हैं ना पटकेंगे तो पड़ेंगे फटके. 14 on a bot. Amit Gavit फुलर एंड लोअर फुल टॉस, देर इज अ फील्डर सेबास कापड़िया बट बिहाइंड द फील्डर, वन बाउंस वेंट टू द बाउंड लाइन फॉर 4 रन. डीजे जी, जिस तरीके से वलवाड़ा मलवा के लिए उसी अंदाज में गेंद गई थी बाहर मिड विकेट के ऊपर दर्शकों को मिलने के लिए. 18 फुल लाइन इन द एयर ओवर कीपर्स हेड, शॉट इज थर्ड मैन इज देयर एंड इजी सिंगल, 19 ऑन अ बॉट, लास्ट बॉल फ्रॉम द सेकंड ओवर, लॉस ऑफ वन विकेट बिकॉज नाउ रिक्वायर्ड रन रेट इज गोइंग हायर एंड हायर बिकॉज दिस टाइम 17 रन 20 run exit required. Wide ball. Sorry, my mistake because the ball is delivered and also I am commentary. 20 on a bot, loss of one wicket. Last ball remaining. Amit Gamita is player is going expensive. 18 run already in this over. 18 run already in this over. Expensive spell is going on now. Maksud get ball. Sebas. Short ball down the ground like a submarine. Again white, too far outside the off stump. 19 already in this over. And Manikpur team is very packed team because already nice bowler Basitai outside the team because he's in dugout. Lots of player also can bat this time again. Legal ball maybe. White. Okay, sorry. Some fumble by the keeper, that's why delay judgment by the umpire. Over. Expensive over. Too much expensive. 20 already in this over. After 2 over, 22 loss of one wicket. 11 run prati over bane hai. Thodi si kharaab gendbazi Amit Gavit ki or se dekhne ko mili. Afsar hai, maksud hai, Sebas ka padhiya hai. Gendbazi kar sakte hai. Kabiliyat bahut zyada. Kya galti ki kaptan ne dekhna padega. Naeem Rawat ko bulaya hai. और सेंचुरन बैट्समैन 17 नंबर ए लाइक एबी डिविलियर्स ऑन अ स्ट्राइक. First ball dot.
रिवर्स मैक्सवेल नजाकत, आसान काम नहीं है चतुर चालक लोमड़ी बनने के लिए, बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, 90 से 100 गेंदें नेट प्रैक्टिस में खेलनी पड़ती है। मैक्सवेल बन सकते हैं, आसान नहीं है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी अपील 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 अपील, अंपायर ने उंगली खड़ कर दी, सेंचुरियन बैट्समैन को पेविलियन भेजा है। विकेट नंबर 3 जिग्नेश दवे, बड़ी विकेट का पतन, वो काम नईम रावत जानते हैं बखूबी करना, उनकी ताकत है। हैट्रिक लेंगे तो तबरेज भाई कपड़िया की ओर से 200 रुपया है, 200 रुपया बहुत बड़ी राशि होती है। राजेश भाई पूरा दिन सुबह से शाम तक कौरी में काम करना पड़ता है, तब जाकर 200 से 250 रुपया मिलता है, तो बहुत बड़ी राशि है। टूर्नामेंट में जो भी गेंदबाज पहली हैट्रिक लेगा उसके लिए, पहला हैट्रिक लेगा उसके लिए इमरान भाई रावत ऑर्गेनाइजर की ओर से 500 रुपया और सईद भाई हजात की ओर से 500 रुपया, यानी कि पहली हैट्रिक के लिए की बात कर रहा हूं। अच्छे प्रयास, अच्छा प्रयास, लेकिन ब्लाइंड शॉट जो कहते हैं ना, मुश्किल है, आसान काम नहीं है। मिड विकेट के ऊपर बहुत प्रैक्टिस चाहिए, सफल करके ऑफ स्टंप के जाना है, बल्ले के ऊपर गेंद को लेना भी जरूरी है। आप कितने भी ऑफ साइड पे चले जाए, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं लगेगी ना तो जिग्नेश गोटी की गेंद के ऊपर 2 छक्के लगाने के बाद तीसरी गेंद के ऊपर सेबस कपड़िया बोल्ड हुए थे ना, वैसा बोल्ड हो सकते हैं, तो वो बल्ले के ऊपर गेंद लगना भी कंपलसरी जरूरी है। अच्छा ओवर कट्टा हुआ, अभी तक 5 गेंदे कोई रन नहीं दिया, पहले ओवर में 2 रन 2 सफलता मिली थी, मैडन ओवर हो सकता है, मैडन ओवर विकेट। क्या गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी, इस मैदान के ऊपर दूसरी मर्तबा मैडन फेंका है। हेड्स अप नईम रावत, जहां पर एक एक गेंदबाजों को 12-12-15 रन बनते हैं, वहां पर मैडन ओवर पिछली मैच में भी फेंका था, वो भी हरणगांव खाखरी फड़िया का गेंदबाज था, एक ओवर अंकुर ने मैडन 2 विकेट निकाले थे, यहाँ पर नईम रावत मैडन और 2 विकेट। डीजे डीजे, हमारे पैनल के कमेंट इधर राजेश आचार्य का 3-3 नाम दिया है, जतिन सप्रू क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, आकाश चोपड़ा के कुछ कुछ वर्ड्स उनके आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 80% विवेक राजदान का उनकी कॉमेंट्री सुनने में मजा आती है, बहुत सारे दर्शक मोहित है। और ये छोटे जतिन सप्रू है, चरण में गेंद तो शरण में गेंद, पाले में डालोगे तो हवाले में फेंकोगे, ये प्लॉट में तो वो प्लेट में, ये सब क्या जतिन सप्रू के, हमारे वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल के कमेंटेटर हिंदी के। ईबी रावत फुल लैन, ये अच्छा खेलते हैं, ये अच्छा खेलते हैं, ऑफसाइड में गैप नहीं मिली, हाथों में चली गई, 1 के साथ 23 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर दोनों विकेट नईम रावत ने निकाल कर दी है। 2 ओवर 1 मैडन 2 रन 2 सफलता 1 की इकोनॉमी, जेम्सन मैदान के ऊपर मुश्किल है। फुला लैन वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ईबी रावत थोड़ी सी अंदर की तरफ, वाइड इस रेखा बल्ले से दूर रखने का प्रयास है, निगाह रहेगी कल ओपन अंतर समाज मकसूद भाई की आगेवानी में, मौका मिल सकता है खेलने में 11 में, क्योंकि परफॉर्मेंस दिया है। डाउन द ग्राउंड स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल से सेबस का पड़िया एसके, ये नाम दिया सूर्य कुमार यादव भी है, स्काई कहते हैं, एसके सेबस का पड़िया मैक्सी मकसूद लहर पहचान बनती है। एबी यॉकर, सटीक यॉकर, जड़ वाली, 5वें गेंदबाज में शुमार हो सकते हैं कल, एक तलाश थी मकसूद भाई को 5वें गेंदबाज की, अगर जरूरत पड़ी कल ओपन अंतर समाज मुकाबला है, अपने गेंदबाजों अपने गल्लेबाजों को खिलाने का प्रयास है।
ये चरण में डालोगे ना तो राजेश आचार्य सर कहते हैं ना शरण में जाएगी, बाउंड्री के शरण में। 6-7 रन संख्या 31 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी गेंद है चौथे ओवर की। 9 रन अब ऑलरेडी आ चुके हैं। लंबे हिट, हवा के विरुद्ध शॉट खेला है, फील्डर है क्या पकड़ लेंगे, नहीं सर के ऊपर से जाएगी, बहुत लंबा, ऊंचाई का 8 लंबाई का छक्का है। आप 8 रन मत डाल दीजिए क्या बस इतना ही, क्योंकि नियम के हिसाब से 6 ही होते हैं। 4-7 37 रन, अब 12 गेंदों में 68 रन चाहिए, 34.5 रन ओवर के, 5 छक्के 1 चौका कंपलसरी। हाँ कैरेबियन तीखा तड़का चाहिए, आंद्रे रसल वाला वो गिनती चाहिए, पॉलेड वाली, रोमन पोवेल वाला, ये होना चाहिए। ये 2-4-3-4 गेंदे 4 छक्के 5 गेंदे 5 छक्के 3 गेंदे 3 छक्के हो सकते हैं, लेकिन लगातार 10 गेंदे 4-2 चौके मुश्किल है। और गेंदबाजी के ऊपर अमित, महंगा स्पेल फिर भी कप्तान ने बुलाया, हवा में खड़ी हो गई, क्रॉस बैटर खेलेंगे ना तो खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी तो गेंदबाज कैच भी ड्रॉप करेंगे क्योंकि आज उनका दिन नहीं है। वैसे अच्छे गेंदबाज में शुमार किए जाते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन दिन नहीं है आज उनका। पहले ओवर में पिटाई हुई, इस ओवर में खुद के हाथों कैच ड्रॉप किया ना तो ये दिक्कत है, सोचने के ऊपर मजबूर किया है। ये तो शायद मिल जाएगा मैच, लेकिन अगली मैच के लिए एक आध गेंदबाज ढूंढना पड़ेगा। वैसे है खेमे में अच्छे गेंदबाज है, अफसर रावत कर सकते हैं, मकसूद लहर खुद कप्तान गेंदबाजी करते हैं, ठीक ठाक एसके भी कर सकते हैं, सेबास कापड़िया एक आध ओवर फेंकनी हो तो फेंक सकते हैं। ये तुलना है, फैज पठान कर सकते हैं लेकिन स्पिन है, स्पीड के साथ नहीं करते। क्रॉस बैटेड हवा में इनसाइड आउट, क्या शॉट खेला है, क्या बल्लेबाजी हो रही है ये बल्लेबाज की ओर से, और इनकी गेंदबाजी में थोड़ी सी पिटाई हुई थी, जैनम सॉरी वीरल की पिटाई हुई थी, जैनम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 9 गेंदों में 19। हवा में इस मरतबा फैज पठान गलती नहीं करेंगे, अच्छा कैच, अनस लहर की कमी होगी, अनस लहर है माणिकपुर के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में उनको शुमार करता हूँ, लेडर बॉल टेनिस बॉल आप बोलेंगे ना, और अगर बात की जाए ना नवसारी डिस्ट्रिक्ट के वन ऑफ द बेस्ट अंपायर में अगर बात की जाए ना तो गलत बात नहीं होगी, उनको याद करेंगे हम भूलेंगे नहीं, मेरे खास मित्र हैं और बहुत चहीते हैं, मैं लगातार उनको याद करता रहता हूँ, बहुत अच्छे अंपायर, कमेंटर, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, एज अ कैप्टन अगर बात करें ना मकसूद भाई के कंधों से कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी हटानी होती है ना तो अनस लहर बखूबी अदा करते हैं। अगर मकसूद भाई के बाद अगर इस टीम में कोई एज अ कप्तान को मैं देख रहा हूँ इस पोजीशन के ऊपर तो नईम रावत, थोड़े तीखे हैं लेकिन अग्रेसिव एक हाथ चाहिए मकसूद भाई है ना, कि अब लेजेंड क्रिकेटर थक चुके हैं, उनको अब थोड़ा विदाई हो, वो मांग कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे, माणिकपुर वाले मना कर रहे हैं कि चाहिए। विकेट आखिरकार सफलता दिलाई, विरल डगआउट जाते हो, ये तो पारी है, यहाँ तो खत्म हो गई, ज्यादा इस पारी की बात नहीं करेंगे, लेकिन माणिकपुर खेमे की थोड़ी सी राजेश में बात करेंगे ना तो पुराने प्लेयर को हम याद करेंगे, तौफिक कापड़िया खड़े रहते थे ओपनर बल्लेबाज में ना तो दमखम मचा देते थे, पिंकल उनको नहीं भूलेंगे, यूके में स्थाई है, हैट्रिक के ऊपर है, पहला हैट्रिक के ऊपर 1000 रुपया है, 500 इमरान भाई रावत की ओर से और 500 सईद भाई हजात की ओर से। लंबे कद के ध्रुव, कद काठी केरन पोलार्ड जैसी, क्रम के ऊपर भेजा भी 6 नंबर केरन पोलार्ड वाला, क्या करेंगे, विलेज कप में अच्छी बल्लेबाजी की थी, फुल टॉस बॉल नहीं गैप में, क्या छक्का है, क्या अंदर गिरी बाहर गिरी, थोड़ी सी इशारा चाहिए, किसी बाहर भेजे उनको, बैठे उनका चौके का इशारा आखिर बगार अंपायर ने दिया है। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति, 48 रन, 6 गेंदों में 57 चाहिए, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन लक्ष्य जरूर है।
इसी मौके के ऊपर सुफियान लहर को नहीं भूलेंगे। जुबेर बहुत अच्छे बैट्समैन, ऑलराउंडर बैट्समैन। माणिकपुर की अगर बात की जाए ना, बल्लेबाजी की, राजेश भाई जुबेर खड़े रहते थे ना तो मजा आ जाता उनका शॉट देखने, शॉट सिलेक्शन, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते थे। जुबेर को याद करेंगे। एक माणिकपुर की बात की जाए ना, पूरी पैक टीम, शहीद कानवी, कभी मरतबा, कोई कोई मरतबा कीपरों की सेवा भी करते थे, पॉइंट पे खड़े रहते थे, एक आध दो कैच छोड़ते भी थे। हाँ, गलतियां तो बताएंगे, खामी भी बताएंगे, खूबियां भी बताएंगे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर उड़ाया मैक्सी, प्रयास अच्छा, दोनों में भिड़न हुई, चौके का इशारा, वन बाउंस, आधी अर्ध शतक से ऊपर तो स्कोर पहुंचा, पांच गेंदें बची है जीतने के लिए, सॉरी चार गेंदों में 52। अगली टीम तैयार रहेगी, रेठवाणिया फील्डिंग, अफसर रावत, डोकिया वरुण सटका रहे नहीं, रोका है, चांगली फील्डिंग डीप मधून, चांगली गोलंदाजी अफसर ये मैच मधून। लाउड अपील एंड स्टंपिंग, फर्स्ट विकेट अफसर रावत के खाते में, छठा पांचवा पांचवा विकेट गिरा, ओके पांचवा विकेट गिरा है, दो गेंदे बची है। अक्षरम डेयरी के ऑनर तेजस भाई आहिर, जहां पर भी आहिर समाज का टूर्नामेंट ओपन होता है ना, अक्षरम डेयरी की एंट्री होती है। कल आहिर समाज की एंट्री उनकी ओर से मिली है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। टाइम के ऊपर एक टीम ने थोड़ी सी दिक्कत की वजह से नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने सहयोग दिया, सहकार दिया, हमारी लाज रख ली। क्रॉस बैट एट नॉट एन ईजी, वाइट टू फार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, डिक्लेयर बाय द मेहुल विद द एक्स्ट्रा स्कोर 154 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 2 बॉल रिमेनिंग इन दिस इनिंग। रेठवाड़िया रेड बुल पिलाकर फील्डर को तैयार रखेंगे, जैकी मेहतर और केक खाकर फड़वल की टीम तो तैयार है, एक आध टुकड़ा हमें भी भिजवा देते। उड़ाने का प्रयास था, थोड़ी सी आगे गिरेगी। अफसर रावत चांगली फलंदाजी ये मैच मधून, शेवटला चेंडू, ये मैच मधून शेवटला चेंडू, एक चेंडू वरून 50 धावा आवश्यकता, शेवटला चेंडू आहे ना 49 धावा। सिंगल के साथ खत्म किया, वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। माणिकपुर 11 ने इस मैच को सॉरी रन नहीं लिया, 48 रनों से कॉम्प्रीहेंसिवली 100 मैच को जीता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सेबस का, पड़िया मकसूद लहर और मैन ऑफ द मैच नईम रावत, 2 ओवर 1 मैडन, 2 रन और 2 सफलता, क्या गेंदबाजी,